ये कोहाट का बोना शरीफ का स्टेशन है। पीटीआई दौर में इसको तामीर किया गया है और इसके बनाने का मकसद ये था कि लोगों को सब सियाती सहूलियात भी मिले। तालाब बेहतरीन तालाब बनाया गया है, लेकिन एक मसला इसमें ये बरकरार है कि इसका पानी गंदा है, इतना कचरा इसमें जमा हुआ है। निकासी आपका कोई बंदोबस्त नहीं है। पानी के जो निकलने के रास्ते हैं वो नीचे ऊपर हैं और जो पानी जो ठहरा हुआ है वो नीचे तक ठहरा हुआ है, इसके निकलने का रास्ता नहीं है, जिसकी वजह से सारा कचरा यहाँ जमा हुआ है। और इसी कचरे के अंदर, इसी गंदे पानी के अंदर ये बच्चे यहाँ नहाते हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ जितने लोग आते हैं और सर्विस स्टेशन बनाया हुआ है, लोग अपनी गाड़ियाँ यहाँ ला के, बाइक लाए यहाँ ला के, रिक्शे यहाँ ला के इसको धुवाते हैं, जिसका कचरा यहाँ जमा रहता है। टीएमई की तरफ से यहाँ कोई एहलकार तैनात नहीं है जो इसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखे। और इसके लिए मकामी लोगों का ये मुतालबा है कि इसकी सफाई का बंदोबस्त होना चाहिए और किसी इंजीनियर को, ऐसे इंजीनियर को जो काबिल हो, इस काबिल हो कि वो इस नक्शे को समझ सके। देखिए ये कचरा यहाँ इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मौजूद है पानी के अंदर, और ये पानी नहाने के बिल्कुल काबिल नहीं है। जिसमें ये बच्चे ये नहा रहे हैं ये पूरा एक बीमारी की सूरत नहीं, देखिए इसके अंदर सारा कचरा जमा हुआ है जिसके निकलने का कोई बंदोबस्त नहीं है। सो पानी के जो निकलने का ये मुंबई है, यहाँ से जो पानी निकल रहा है वो काफ़ी मकदार में कम है, लेकिन ये पानी जो यहाँ आकर जमा होता है, तो जमा होने के बाद जो पानी के निकलने का रास्ता है वो मुनासिब नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से पानी यहाँ खड़ा रहता है और जो उसके अंदर कचरा है वो भी साफ, उसकी सफाई का बंदोबस्त नहीं है, जिसकी वजह से ये पानी गंदला हो चुका है। और इसी में यहाँ के मकामी बच्चे ये नहाते हैं। ये चश्मे हैं कि जो यहाँ से पानी निकल रहा है वो है मम्बा। इसके अलावा जो दूसरा चश्मा है वो यहाँ से निकलता है और इसका पानी यहाँ ठहरा रहता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कचरा यहाँ अभी तक ठहरा हुआ है, इसके नीचे ही पड़ा हुआ है जो नीचे तक नज़र आ सकता है। ये पानी इतना ट्रांसपेरेंट, जितना साफ़ होता था अब साफ़ नहीं रहा, कचरा इस तरह यहीं रहता है। और बाहर निकलने का कोई रास्ता, ये बाहर निकल का जो रास्ता बनाया गया था, ये ऐसा लग रहा है कि जो जिस इंजीनियर ने इस नक्शे को पास किया बनाया, वो इस चीज़ को पहली दफ़ा बना रहे थे, उनको कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि तालाब या स्विमिंग पूल जो बनाए जाते हैं वो इस असूल के तहत नहीं बनाए जाते हैं।